जय जिनेंद्र। जैन समय में आप सभी का स्वागत है। जैन समाज के प्रमुख समाचारों के साथ उपस्थित मैं अशोक नागौरी, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। जयकारों के साथ सियाकरा परिवार द्वारा निर्मित श्री चंद्रप्रभ स्वामी मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न। सेठिया परिवार को सांत्वना देने पहुँचे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी। विवाह का सामूहिक प्रतिभोज दिन में आयोजित करने पर खिमेसरा मुथा एवं मेहता परिवार सम्मानित। समाज सेवी महेंद्र जी मुनोत ने वितरित की बच्चों को नोटबुक्स एवं महिलाओं के लिए साड़ियाँ। महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान समारोह राजभवन में संपन्न। श्रीमती रेखा छाजेर चुनी गई शिवांची ओसवाल जैन महिला संघ की अध्यक्ष। जीतो युवा सदस्य विंग का GST सेमिनार सुसंपन्न। तुमकुर रोड पर बेंगलोर से करीब 38 किलोमीटर दूर बुद्धिहाल गांव में श्री चंद्रप्रभ स्वामी जैन मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोमवार 19/2/2018 को लब्धि समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य श्री अशोक रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, आचार्य श्री अमर सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनि श्री अजीत सेन विजय जी महाराज साहब की निशा में संपन्न हुआ। उन्होंने लाभार्थी निर्मला बाई कांतिलाल जी ओसवाल सियाकरा परिवार द्वारा स्वद्रव्य से निर्मित मंदिर एवं विहार धाम की प्रशंसा की। इस अवसर पर मंदिर में मूल नायक के रूप में चंद्रप्रभ स्वामी जी की मूर्ति को निर्मला बाई कांतिलाल जी सियाकरा, साकलचंद जी दोला जी गुंदेशा, मूलचंद जी परमार एवं प्रवीण जी इंद्राबाई सियाकरा द्वारा आसन पर स्थापित किया गया तथा गौतम स्वामी शांतिसूरी एवं पंचधातु प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। शिखर पर मुनि श्री अमर सेन विजय जी महाराज साहब के द्वारा मंत्रोच्चार ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम के जय जयकारों के साथ नंदाबाई नानचंद जी ओसवाल, शिक्षा अजीत जी जैन एवं नमन सियाकरा ने ध्वजा लहराई एवं कलश की स्थापना की। विधि विधान विक्रम शाह गुरु जी ने पूर्ण करवाए। मंदिर एवं विहार धाम के संचालन के लिए श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट चिकपेट के पदाधिकारियों को संजय कुमार जी, प्रवीण कुमार जी ओसवाल ने चाबियां सुपुर्द की। संघ के अध्यक्ष उत्तम चंद जी भंडारी, बाबूलाल जी पारेख, प्रकाश जी राठौड़, गौतम जी सोलंकी, शांतिलाल जी नागौरी, देव कुमार जी के जैन, फूटरमल जी निम्बजिया आदि उपस्थित थे। मंदिर के समीप गौशाला के निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं वृक्षारोपण भी किया गया। आदिनाथ संघ के पदाधिकारियों ने संपूर्ण निर्माण के लाभार्थी कांतिलाल जी भूरमल जी सियाकरा परिवार के सदस्यों का बहुमान किया। लाभार्थी प्रवीण जी सियाकरा ने व्यवस्था में उत्तम सहयोग हेतु हितेश जी जैन, अमित जी जैन, अश्विन जी जैन, नितेश जी जैन, आकाश जी बिछोलिया, राहुल जैन, सन्नी मोनू रवि आदि को विशेष धन्यवाद दिया। भावी बिलाड़ा के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ वर्य कर्नाटक में मंड्या एवं बेंगलोर की निवासी संघवी रतनलाल जी सेठिया की धर्मपत्नी श्रीमती पिस्ता कंवर सेठिया के स्वर्गवास पर 17 फरवरी को केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय तथा कॉरपोरेट अफेयर्स के राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी सेठिया परिवार को उनके निवास पर सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेठिया परिवार से उनका गहरा एवं आत्मीय प्रेम है और उनके स्वयं के परिवार के जैसा है। अनेक दशकों से यह प्रेम चला आ रहा है और आगे भी यह प्रेम बना रहेगा। संघवी रतनलाल जी सेठिया के चारों पुत्र शांतिलाल जी, प्रकाशचंद जी, मनोहर लाल जी एवं किरणराज जी सेठिया को भी उन्होंने अत्यंत आत्मीयता प्रदर्शित की। इस अवसर पर जवरीलाल जी सेठिया, प्रकाशचंद जी बड़ोला, ललित जी बम, मनोज जी चोपड़ा, ज्ञानचंद जी कोठारी आदि उपस्थित थे। श्री लब्धिसूरी जैन धार्मिक शिक्षण शिक्षक उत्कर्ष के तत्वावधान में लब्धि समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य श्री अशोक रत्न सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम को अपने धर्म का पालन करते हुए सामूहिक प्रीतिभोज दिन में आयोजित करने वाले परिवार का बहुमान कर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रदीप कुमार जी खिमेसरा के सौभाग्यवती अक्षता मेहता के साथ संपन्न विवाह का सामूहिक प्रीतिभोज दिन में आयोजित करने पर शाह रतन चंद जी खिमेसरा मुथा एवं अरविंद कुमार जी मेहता को ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक जी जे संघवी, सचिव देव कुमार जी के जैन, बाबूलाल जी पारेख, शांतिलाल जी नागौरी, शांतिलाल जी खिमेसरा आदि ने माला एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। यह एक गौरव की बात है कि रतन चंद जी सज्जन राज जी खिमेसरा मुथा परिवार ने हाल ही में पालीताना में 99 यात्रा का भव्य आयोजन बहुत सुंदर ढंग से करते हुए स्वच्छ भारत का संदेश दिया था। बेंगलोर में मुत्तप्पा राय के नेतृत्व में चल रहे जय कर्नाटक संस्था की विजयनगर शाखा का उद्घाटन संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी गौ मित्र श्री महेंद्र जी मनोत थे। कार्यक्रम के दौरान विजयनगर मार्केट में जन साधारण महिलाओं को साड़ी एवं बच्चों को नोटबुक्स वितरित की गई। महेंद्र जी मनोत ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाजार भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसका देश के साथ सकारात्मक संबंध है। यहाँ किसानों की पसीने से शुरुआत है। कार्यक्रम में बीआर रमेश एवं अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। राज्यपाल वजूभाई वाला द्वारा प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र परंपरा में ऐतिहासिक योगदान के लिए महामहोपाध्याय बद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आदर्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष के बंसाली जी एवं कमेटी सदस्य हेमराज जी पालगोता मनु ने भी सम्मान किया। कर्नाटक राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर एवं समाज की अनेकों संस्थाओं के पदाधिकारी गण भी राजभवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित थे। श्री शिवांची ओसवाल जैन महिला संघ बेंगलोर की साधारण सभा में चुनाव अधिकारी महेंद्र जी भंसाली के निर्देशन में नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। कार्य समिति की सदस्यों द्वारा श्रीमती रेखा छाजेड़ को श्री शिवांची ओसवाल जैन महिला संघ बेंगलोर का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती मधु गुलेचा ने कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी का स्वागत किया। निवर्तमान मंत्री नीलम ललवानी ने कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया एवं नव निर्वाचित जीतो कार्यालय में जीतो युवा सदस्य टीम द्वारा सामयिक विषय जीएसटी पर दिनांक 19/2/2018 को एक महत्वपूर्ण सेमिनार का उद्घाटन जीतो बेंगलोर के चेयरमैन पारस जी भंडारी ने किया। उन्होंने जीतो कनेक्ट 2018 में जीतो युवा टीम भी किस तरह सहकार कर सकती है, इस हेतु मार्गदर्शन दिया। जीतो बेंगलोर के मीडिया संयोजक सज्जन राजी मेहता ने बताया कि वक्ता एवं चार्टेड अकाउंटेंट हनीश जी जैन ने जीएसटी के व्यवहारिक विषयों के तहत संरचना, सीमांत योजना और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अपना पक्ष रखा। चार्टेड अकाउंटेंट प्रीतेश जी जैन ने कंपोजिशन स्कीम तथा नियोक्ता कर्मचारी अनुबंध पर महत्वपूर्ण जानकारी। चार्टेड अकाउंटेंट हरिकिशन जी पी छाजेड़ ने ई वे बिल की महत्ता पर प्रकाश डाला। जीतो युवा टीम के कोच है। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। समाचार भेजने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9741060381। जैन समय से जुड़े रहें, समग्र जैन समाज के प्रमुख समाचारों का एक सशक्त माध्यम।